Now in this video we'll start with worksheet 2, and in this video we'll learn how to compare the fractions. See, there are two methods to compare fractions. One is cross multiplication method aur dusra method hota hai LCM lekar. Pehle hum log cross multiplication method seekhte hain. Bahut easy hai. Suppose the fractions are 9 by 10 and 2 by 5. इसमें मल्टीप्लाई करना है क्रॉस बनाकर, मतलब 9 को 10 से करेंगे, 9 को 5 से करेंगे, 10 को 2 से करेंगे. सो आई एम राइटिंग 9 इंटू 5 एंड 10 इंटू 2, 45 और यहाँ 20. ये पहला नंबर बड़ा है तो पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा. सो आई विल राइट सिंस 45 इज़ ग्रेटर देन 20. ये वाला साइन सिंस का होता है और ये वाला देयरफोर का. So therefore 9 by 10 is greater than 2 by 5. इसी तरह से एक और क्वेश्चन. नाउ आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन ऑन माई ओन. सपोज 3 by 4 एंड 11 by 12. सो रिमेंबर ये वाला मल्टीप्लीकेशन पहले लिखना है. सो 3 इंटू 12 को पहले लिखना है, 36 एंड 4 इंटू 11, 44. नीचे वाला नंबर बड़ा है तो सेकेंड फ्रैक्शन बड़ा होगा. तो आई विल राइट सिंस 44 इज ग्रेटर देन 36, सो दिस नंबर इज ग्रेटर, देयरफॉर 11 बाई 12 इज ग्रेटर देन 3 बाई 4. ऐसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके. क्या चीज़ याद रखना है कि जब ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका नंबर पहले लिखेंगे. नेक्स्ट मेथड इज बाई टेकिंग LCM. So, I am starting with question 2A. The fractions are 7 by 2 and 5 by 3. Remember, जो denominator है उसका LCM लेना. तो 2 का LCM, तो 2 equals to 2 into 1, 3 equals to 3 into 1. तो हम लोग LCM में क्या सीखे थे कि जो common नहीं है उसको भी लेना है. So, you have to take 1, 2 and 1, 3. This will be 6. Ek bar 1 hai. So, LCM is 6. Ab jo number aaya 6, usko 2 bar divide karenge. Ek bar 2 se aur ek bar 3 se. Aa gaya answer. Ab, 7 by 2 equals to. Jab 2 se divide kiye the, तब 3 आया था ना, तो यहाँ दोनों जगह ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 21 बाई 6. और जब 5 बाई 3 ले रहे हैं, जब 3 से डिवाइड किए थे तो 2 आया था, तो अभी ऊपर नीचे दोनों जगह 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 10 बाई 6. अब तो बेस सेम हो गया, तो हम लोग को पता है 21 बड़ा है, तो वी विल राइट देयरफॉर 7 बाई 2 इज़ ग्रेटर देन 5 बाई 3. ये मेथड होता है LCM का. पहले हम लोग LCM लेकर दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं. आई स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन. सपोज डी, द फ्रैक्शंस आर 3 बाई 10 एंड 3 बाई 4. सो 10 और 4 का LCM निकालना है. 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके, सो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आ गया 2 इंटू 5, 4 का करने से आया 2 इंटू 2. तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन है वो एक बार लिख दिए, जो नहीं भी कॉमन है उसको भी लिखते हैं. तो ये 2 और ये 5 बच रहा है उसको भी लिख दिए. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20. फिर क्या करने बोले थे, जो आंसर आया उसको दो बार डिवाइड करेंगे दोनों डिनोमिनेटर से. So 20 divided by 10 and 20 divided by 4, answer लिख दिए. अब number क्या था, 3 by 10. So 10 के time पे क्या आया, 2. तो हम लोग ऊपर नीचे दोनों जगह 2 multiply करेंगे, ये आ गया 6 by 20. फिर दूसरा number था 3 by 4. 4 के लिए क्या आया answer, 5. तो हम लोग दोनों जगह 5 multiply करेंगे,
तो 15 बड़ा है 6 से, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, देयर फोर 3/4 इज ग्रेटर देन 3/10। सो एलसीएम का क्या प्रोसेस है, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम को दोनों डिनोमिनेटर से एक एक बार डिवाइड करेंगे, उसके बाद जिस डिनोमिनेटर के लिए जो नंबर आएगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। प्लीज़ डू द प्रोसेस स्टेप वाइज, एंड ये एलसीएम भी कैलकुलेट किया हुआ दिखाना है और ये डिविजन भी साइड में दिखाना है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर सॉरी। सो इसमें कोई भी मेथड नहीं लिखा है, तो जो मेथड इन दोनों में से इजी लगा वो यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम है कि नंबर्स मिक्स्ड में भी है। सो इफ आई स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन, सपोज दिस वन, द क्वेश्चन इज 19/7 एंड 2 1/6। तो 19/7 तो ठीक है, इम्प्रॉपर में लिखा हुआ है, इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखते थे क्लास फोर में, दिस इंटू दिस, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे 2 × 6 + 1/6 ही रहता था, 2 × 6 = 12, 12 + 1 = 13। सो इधर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 13/6। अब हम कौन सा मेथड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है। तो 19 × 6 क्या बोले थे कि ऊपर वाला पहले लिखना है, एंड 7 × 13 ऊपर का बड़ा है तो पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो देयरफॉर 19/7 इज ग्रेटर देन 13/6। एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोटा होता है। तो इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में सबको पहले मिक्स्ड में कर देना है, उसके बाद कंपेयर करेंगे।